नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को लेकर क्या सरकारें और स्वास्थ्य प्रशासन किस तरीके से सचेत है और किस तरीके से काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के जो मामले हैं वो कैसे बढ़ रहे हैं और किस तरह से उस पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, शासन प्रशासन को जनता का कितना सहयोग मिल पा रहा है, इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ छत्तीसगढ़ से मेरे सहयोगी नर्मदा घोसले सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और साथ ही जनता कैसे मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। नर्मदा, किस तरीके से व्यवस्था है, क्योंकि ओमिक्रॉन नए वेरिएंट को लेकर लोगों में डर का माहौल है, सरकार और प्रशासन अच्छा काम कर रहा है? जी बिलाल जी, मैं बताना चाहूँगा कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जहाँ लोगों में दहशत का माहौल है, वहीं पूरे छत्तीसगढ़ में शासन ने जो अपनी तैयारी कर रखी है, युद्ध स्तर पर तैयारी कर रखी है। 13 जनवरी 2022 के ताजा हालात में आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटों में राजधानी रायपुर में 5,476 मरीज, जहाँ पे नए मरीज निकल कर सामने आए, वहीं चार लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना लेकर। वहीं दूसरी तरफ एक अच्छी बात यह है कि 1935 लोग अब तक ठीक होकर घर जा चुके हैं। आज के स्थिति में छत्तीसगढ़ में 9.25% पॉजिटिविटी बढ़ चुकी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जहाँ रायपुर के लोग, पूरे प्रदेश में जिस तरीके का माहौल है, जो हालात हैं आज की स्थिति में, जसपुर में 281 नए मामले, जांजगीर में 321 मामले, वहीं रायपुर में सबसे ज्यादा 1785 मामले निकलकर सामने आए हैं। दुर्ग में वही आंकड़ा 800 पार कर चुका है, 348, और बिलासपुर में 418 नए मरीज आए हैं, वही कोरबा में 403 की संख्या में मरीज आए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रशासन अपने स्तर पर लोगों को जागरूक करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। वैक्सीनेशन की दर को बढ़ाया जा चुका है, लेकिन फिर भी लोगों में जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है। नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, एहतियातन सरकार ने अपनी पूरी व्यवस्था कर रखी है, मगर फिर भी लोगों में कहीं ना कहीं सहयोग लोगों से नहीं मिल पा रहा है। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी है, सरकार ने वहाँ पे लॉकडाउन की स्थिति निर्मित की है, लॉकडाउन करने का प्रयास किया है। वहीं पूरे प्रदेश में 9 से 6 नाइट कर्फ्यू जारी है। जी बिलाल जी, बिल्कुल, लेकिन जागरूकता की सबसे बड़ी बात होती है नर्मदा, कि लोगों में जागरूकता फैले। जो दूर दराज के इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर कई बार जो है शासन प्रशासन जो जागरूकता अभियान चलाता है वो नहीं पहुंच पाते हैं। उसको लेकर क्या लगता है कि क्या कुछ कदम स्वास्थ्य प्रशासन को उठाए जाने चाहिए, क्या कुछ कदम सरकार की तरफ से उठाए जाने चाहिए, ताकि जन तक जागरूकता अभियान पहुंचे और लोगों में जहां पर जागरूकता नहीं है वो लोग जागरूकता जो अभियान चला रहे हैं उससे सचेत होकर कोरोना के खिलाफ जो है यहां पर जंग जो है लड़ी जा रही है उसमें अपना सहयोग दें। जी बिलाल जी, इस मामले में मैं बताऊं, सरकार जो अपनी तरीके से शासन और प्रशासन जो कड़ाई और जो एहतियाती कदम है वो लगातार उठा रहे हैं। बावजूद इसके लोगों में, मैं आपको बताऊं कि फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जांजगीर में, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस विभाग के लोग भी संक्रमण के चपेट में आए हैं। मैं अभी आप नेशनल हाईवे 149 पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा मंजर लोगों में जागरूकता की कमी देखी जा रही है, या ऐसा कहा जा सकता है कि लोगों में लापरवाही है। लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, लोग इन गाइडलाइंस को अनदेखा कर रहे हैं, इसका नतीजा भयानक रूप से सामने आ रहा है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, 149 में हम खड़े हैं, हमारी टीम ने ग्रामीण अंचलों का दौरा किया। मैं अपने कैमरामैन से आप बोलना चाहूंगा, एक बार वो दिखाएं, हम बारादवार थाने की तरफ खड़े हैं, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ सामने खड़े हैं, जस्ट थाना के सामने। लोगों में ये स्थिति बनी हुई है कि यहाँ भी यहाँ से कुछ किलोमीटर आगे दूर पे शक्ति थाना है, जहाँ के थाना प्रभारी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। स्थिति, हालात ये है कि लोग आज भी एहतियाती कदमों से दूर हैं, या कहा जाए प्रशासन के द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ये कमी कहा जा सकता है, या फिर लोगों की बीमारी के गंभीरता को ना लेना, ये भी एक तरीका है। मैं आपको जो बताना चाहूंगा, जो दिखाने जा रहा हूँ, हाईवे है, यहाँ से मीटर की दूरी में, 100 मीटर की दूरी पे गंभीर भीड़ भाड़ वाला इलाका है, हम खड़े हैं बारह द्वार में।
बाराद्वार काफी भीड़ भाड़ वाली जगह है, शहर में इस तरीके का खुलेआम जो चल रहा है, चलना, मार्केट का खुलना, बैंक में लोगों का भीड़, ये लगातार जारी है। अब इस पे सरकार जो अपना जो कदम उठा रही है, जो एहतियाती कदम है जो सरकार करने जा रही है, वो जहाँ तक ठीक भी है, बस लोगों में जागरूकता की कमी है। लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। ये एक आज पूरे प्रदेश में एक गंभीर समस्या है, जो इस तरीके का लगातार जो विस्फोट हो रहा है, इसके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी लोगों की लापरवाही का। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सजगता के साथ कदम उठाना होगा। लेकिन नर्मदा अगर साप्ताहिक जो बाजार लगते हैं, जो मार्केट लगती है, वहां पर क्या कुछ व्यवस्था की गई है, उसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं कि लोगों की ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, की दूरी का ख्याल यहाँ पर रखा जाए, मास्क ज्यादा से ज्यादा लोग लगाएं, ताकि इस कोरोना के खिलाफ जो यहाँ पर जंग लड़ी जा रही है, प्रशासन जिस तरीके से दिन रात काम कर रहा है, उसमें सफलता मिल पाए। जी बिलाल जी, आपने सही कहा, इसमें सफलता के लिए कुछ हद तक जो कदम है, एहतियात बरतना है, वो बरता जाए। शासन ने बराबर माइक से नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में बकायदा मुनादी करके, अलाउंस करके लोगों को ये बताने का प्रयास कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सारे व्यापारियों को ये बताया गया है कि वो अपनी दुकान, अपने संस्थान के बाहर मार्क करके, गोल निशान बना करके लोगों को इसका पालन करने की अपील की जाए, ये बकायदा माइक से और बुनियादी करके बताया जा रहा है। लेकिन फिर भी मार्केट में ये स्थिति है कि 144 रात में लागू कर दिया गया है, रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। दिन में हालात वैसे के वैसे हैं। मैं आपको जी, हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार हैं यहाँ पे, राजीव रस्तोगी जी, मैं आपको उनके पास ले जाना चाहूंगा, उनसे एक बार बताना चाहूंगा कि स्थिति क्या है। जी हमारे साथ ये हैं राजू रस्तोगी जी, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। जी रस्तोगी साहब नमस्कार, कैसे हालात हैं सर, ये माहौल क्या बताना चाह रहा है कोरोना के प्रति, जो लोगों में, मार्केट में, बाजार में जो हालत दिख रहा है, इस पर आपका क्या? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो जिस तरीके की जांजगीर चांपा जिले की हालात जो सामने दिख रही है, कि लोग बिना मास्क के कहीं भी आ जा रहे हैं, बेरोक टोक आ जा रहे हैं, इसमें प्रशासन किसी भी प्रकार का कोई एहतियात नहीं बरत रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये स्थिति अगर लंबे समय तक बनी रहे, या लंबे समय क्या करना, एक सप्ताह भी बनी रहे, तो यहाँ कोरोना विस्फोट इस कदर हो जाएगी कि लोगों को ऐसे स्थिति सामने हो जाएगी कि उनको होटल में कतारों पर खड़ा होना पड़ेगा, बेडों की समस्या हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ बहुत संकट आने लग जाएगी। तो मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ की प्रशासन बिल्कुल शिथिल हो चुकी है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वे इसकी रोकथाम में अगर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो ये बड़ी संकट जांजगीर चांपा में आ सकती है। जी बिलाल जी, ये राजीव रस्तोगी थे हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं जिले के। इन्होंने जो देखा, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं शासन के द्वारा जो गाइडलाइंस या फिर जो नियम का पालन है, उसमें थोड़ी सख्ती की आवश्यकता है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कदम उठाए जाने चाहिए, और इसमें शासन प्रशासन को जनता का भी सहयोग मिले, ये भी हम सबको सोचना होगा। शुक्रिया आपका नर्मदा हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ से बातचीत करने के लिए। और लेकिन बड़ा अहम सवाल है कि आखिरकार जिस तरीके से लगातार जो है कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, देश के अलग अलग राज्यों में यह आंकड़ा है, लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जो कोरोना का नया वेरियंट है ओमिक्रॉन की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, ऐसे में सरकार और प्रशासन के साथ हम सबको भी खड़ा होना होगा, और जो कोरोना गाइडलाइन बनाई गई है उसका भी हम सबको पालन करना होगा, तब जाकर ही कोरोना के खिलाफ जंग जीतने में हम सबको आसानी होगी। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही, नमस्कार।